एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देहरादून यूट्यूबर मॉम नवनीत। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बैग्स कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोग के साथ में अपना बैग्स कलेक्शन शेयर करूं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन से बैग्स हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे बैग्स कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है और मुझे बैग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना ये बैग्स कलेक्शन वीडियो। सो फ्रेंड्स, साथ साथ में आपको मैं बताऊंगी कि ये जो मेरे बैग्स हैं इनको मैं कब यूज करती हूँ, किस ओकेजन पे यूज करती हूँ। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी से ये वीडियो जो है काफी लंबा होने वाला है। और आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आज का मेरा बैग्स कलेक्शन वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर मेरे बैग्स का कलेक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने स्लिंग बैग से जो कि मैं डेली में यूज करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट स्लिंग बैग जो कि है ब्लैक कलर में, बहुत ही प्यारा है। और इसको मैंने इसलिए परचेज किया था क्योंकि आप देख सकते हो इस तरीके के जो ये ब्रूचेज इसके ऊपर लगे हुए हैं वो इसके लुक को बहुत ज्यादा प्यारा बना देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला अपना ये स्लिंग। सो सबसे ज्यादा मैं इसे यूज करती हूँ और बहुत ज्यादा ये स्पेशियस है। और इसके अंदर अभी मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा सामान क्योंकि मैं इसको डेली में कैरी करती हूँ, तो मैंने जस्ट ऐसे ही आप लोगों को दिखा लिया है, इसका सामान नहीं निकाला है। सो फर्स्ट है मेरा ये वाला स्लिंग। और फ्रेंड्स, ये जो मेरे बैग्स हैं ये मोस्टली मैंने यहीं के देहरादून के लोकल मार्केट से लिए हैं। और एक दो ही बैग्स ऐसे हैं जो ब्रांडेड हैं या गिफ्टेड हैं, सो मैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाती हूँ। है मेरा ये जो कि मैरून कलर में है, गोल्डन कलर में, इसका जो हैंडल है उस पर गोल्डन कलर है और ये बहुत प्यारा सा स्लिंग है। सो इसको मैं छोटा मोटा, मतलब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी मैं इसको कैरी कर लेती हूँ, नॉट जस्ट कि मैं इसको कैजुअल वेयर के साथ में ही कैरी करती हूँ, क्योंकि इसमें ये जो गोल्डन आप देख सकते हो, गोल्डन इस तरीके का जो इसका हैंडल है उसकी वजह से ये थोड़ा सा बैग जो है आप लाइट पार्टीज वगैरह में भी कैरी कर सकते हो। और ये जो बैग है ना, इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये ट्रांसपेरेंट है, मगर इसके अंदर इस तरीके का ये पाउच है। सो आपने पाउच वगैरह, बैग्स वगैरह जो है आप इसी में रखो, जो स्मॉल पर्स वगैरह होता है, वॉलेट सॉरी, आ जाता है लाइक दिस। तो इस बैग का डिजाइन है कुछ ऐसा, तो ये यहाँ से ओपन है मगर इसके अंदर इस तरीके से ये पाउच आ जाता है। सो ये भी मुझे ओवरऑल बहुत ज्यादा पसंद है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने स्लिंग बैग्स दिखा रही हूँ जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, क्योंकि बाकी बैग्स मेरे ऐसे हैं जो मैं ओकेजनली ही यूज करती हूँ। तो ये है मेरा एक और स्लिंग बैग जो कि है प्योर लेदर में। सो बहुत ज्यादा सिंपल है मगर बहुत ज्यादा ये स्पेशियस है और थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है मेरे बैग्स में क्योंकि मैं इनको यूज करती रहती हूँ और डेली ही ये मेरे बैग्स यूज होते हैं। और ये है प्योर लेदर में और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सिंपल है मगर बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे पास स्लिंग बैग्स बहुत सारे हैं क्योंकि मैं डेली जो है हम लोग स्लिंग बैग ही यूज करते हैं, क्योंकि मुझे स्कूटी ड्राइव करना होता है तो मेरे लिए हैंड बैग्स कैरी करना उतना ज्यादा आसान नहीं है जितना कि ये स्लिंग बैग्स करना है आसान। सो इसमें इस तरीके की एक पॉकेट है, सो आप देख सकते हो। और इसमें रखी हुई है मेरी फ्रेश मिंट। ये वाला स्लिंग बैग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है और आप देख सकते हो ये फर है इसमें यहाँ। सो बहुत ज्यादा क्यूट सा स्लिंग बैग है, ये मैं कैरी करती हूँ जब हम लोग मूवी या आउटिंग के लिए जाते हैं तब मैं इसको कैरी करती हूँ, क्योंकि इसमें ये वाइट कलर का स्ट्रैप है और इसका जो ये इनर ये जो नीचे का पोर्शन है ये भी वाइट है, तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये, इसलिए मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ। ये भी काफी स्पेशियस है। सो नेक्स्ट है ये वाला। नेक्स्ट स्लिंग बैग है मेरा ये छोटू सा फ्लिंजेस वाला बैग, और ये ना काफी छोटा है, इसमें केवल मेरा मोबाइल और मेरा वॉलेट आता है, उसके अलावा इसमें मैं कुछ नहीं रख सकती हूँ। तो इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जस्ट तभी यूज करती हूँ जब मुझे गॉगल्स जो हैं नहीं मैं कैरी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें गॉगल्स वगैरह नहीं आ सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी पॉकेट्स थोड़ी सी छोटी हैं। सो इसका डिजाइन है कुछ ऐसा मगर बहुत प्यारा लगता है ये। सो ये देखिए छोटू सा स्लिंग बैग। सो ये दोनों बैग्स जो हैं, जो एक पहले दिखाया है और एक ये वाला, ये दोनों बैग्स जो हैं मैं तभी यूज करती हूँ जबकि मुझे बहुत ज्यादा सामान जो है कैरी नहीं करना होता। और ये भी प्योर लेदर में है और उसका डिजाइन बहुत प्यारा है,
ये देखिए सिंगल पॉकेट है, तो जस्ट अगर मुझे मनी कैरी करनी है तभी मैं इस वाले स्लिंग बैग को कैरी करती हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं कैरी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है साइज में मगर बहुत क्यूट है ये। सो इसमें दो इस तरीके के स्ट्रैप दिए हुए हैं, एक शॉर्ट वाला और एक लॉन्ग, जो आप एज अ स्लिंग यूज कर सकते हो। मेरा एक और स्लिंग बैग जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, और जब भी मैं पिंक कलर की ड्रेस पहनती हूँ तो मैं इसी को कैरी करती हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि आप इसको मेरी हैबिट कह लीजिए कि मैं जब भी कोई ड्रेस पहनती हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपना स्लिंग बैग जो है वो कैरी करती हूँ, या अपना हैंडबैग है वो कैरी करती हूँ। सो मुझे मैचिंग में बैग्स लेना बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं पिंक कलर की ड्रेस पहनती हूँ सो मैं उसके साथ में कैरी करती हूँ ये पिंक कलर का प्यारा सा बैग, जिसमें ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हो ये जूट दिया हुआ है, और काफ़ी स्पेशियस है ये। इसमें मेरे गॉगल्स, मेरा वॉलेट और कीज वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये है गोल्डन कलर का, इसमें इस तरीके की गोल्डन स्टेप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो ये जो मेरा स्लिंग बैग है ये मैं कैरी करती हूँ पार्टीज में, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है तो डेली तो इस तरीके का गोल्डन स्लिंग बैग अच्छा नहीं लगता है। सो ये सिर्फ मैं अपनी पार्टीज वगैरह में कैरी करती हूँ। सो काफ़ी स्पेशियस है ये भी, इसमें भी बहुत सारा सामान जो है आ जाता है, क्योंकि ये देखिए इस तरीके का ये ऐसा खुल जाता है। सो काफ़ी अच्छा है, पीछे भी एक पॉकेट दी हुई है, और इसका डिज़ाइन बताइएगा कैसा लग रहा है मुझे, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारा गोल्डन और ये लाइट गोल्डन, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और वेयर करने के बाद में भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, क्योंकि इसमें भी पॉकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। सो देखिए एक पॉकेट ये है जो फ्रंट में दी गई है, एक ये बीच का कंपार्टमेंट है, ये भी बहुत अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है, एक स्मॉल पॉकेट है अंदर, और इसका जो डिज़ाइन है कुछ ऐसा है, और काफ़ी अच्छा स्लिंग बैग है ये, और काफ़ी अच्छे से इसमें सामान आ जाता है, तो ये भी मुझे कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे जब अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, तो मुझे स्लिंग बैग्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, बहुत इजी टू कैरी लगते हैं। मेरा स्लिंग बैग है वो है ये। सो ये हैंडबैग भी है, स्लिंग बैग भी है, सो इसको मैं एज अ स्लिंग भी कैरी कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, लॉन्ग स्ट्रैप है इसमें, छोटू सा स्ट्रैप, तो इसको आप इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है स्पेस है, अंदर टू पॉकेट्स हैं, और बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है। सो ये वी इस तरीके से घूमता है और ये बंद हो जाता है, पीछे भी एक पॉकेट दी हुई है। ऐसे मुझे मेरे सारे ही बैग्स बहुत पसंद है, आपको कौन सा वाला पसंद आया मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद है मेरा एक और ये हैंडबैग, और ये मैंने लिया था लिबर्टी से, तो मेरे ख्याल से एक आधा ही मेरा कोई बैग ऐसा है जो मैंने ब्रांड से लिया है, नहीं तो एक देहरादून में बैग्स वाले भैया हैं तो वो इतना अच्छा कलेक्शन रखते हैं कि मेरे मोस्टली मैं जो हैंडबैग्स हैं, स्लिंग बैग्स हैं, उन्हीं से लेती हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पता करना है, आपको पूछना है कि उनकी शॉप कहाँ पर है, तो क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे देहरादून से हैं, तो मैं आपको ज़रूर वो शॉप बताऊँगी। सो वहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा है बैग्स का, मैं हमेशा वहीं से परचेज करती हूँ। सो ये जो बैग है इसमें इस तरीके की फ्रंट में दो पॉकेट्स हैं, बीच में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, और पीछे एक पॉकेट है, और इसमें साथ ही ये स्ट्रैप भी है, तो आप इसको स्लिंग भी बना सकते हो। सो ये बहुत अच्छा है, तो ये है ब्लैक कलर में, बहुत क्यूट सा है, और इसको कभी कभी नीति भी कैरी कर लेती है क्योंकि ये बहुत प्यारा सा है। सो इसमें यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पोल्का डॉट्स हैं, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है ये भी। सो बहुत ही प्यारा सा है ये स्लिंग बैग। उसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं मेरे बड़े बैग्स। सो ये है मेरा एक ह्यूज सा टोट बैग। सो इस टोट बैग को मैं यूज़ करती हूँ जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा मुझे सामान कैरी करना है, मगर मोस्टली मैं इसको ट्रैवलिंग में ही कैरी करती हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत स्पेस है, और इसको आप ये इसमें स्ट्रैप दिया हुआ है, इसको आप स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, काफ़ी लेंथ इसकी बन जाती है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये बैग, और इसमें देखिए ये पीछे ये इस तरीके की पॉकेट भी दी हुई है, और अंदर भी अच्छे खासे आप देख सकते हो स्पेस है सामान रखने के लिए।
सो ये भी मुझे बहुत अच्छा पसंद है और ट्रैवलिंग में ये बैग बहुत काम आता है मेरे फ्रेंड्स। मेरा एक और बिग वाला बैग है और ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी मम्मी ने। सो ये बैग है रैम्पेज ब्रांड का। सो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा बेज कलर का बैग है और ये भी टू स्ट्रैप्स के साथ आता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। और इसको भी मैं तभी कैरी करती हूँ जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ मुझे सामान जो है कैरी करना है। सो ये देखिए अभी भी इसमें कितना सामान मैंने रखा हुआ है, मेरा सेल्फी स्टैंड कवर वगैरह। सो काफ़ी स्पेशियस है ये, सो आप देख सकते हो। ये एक और बैग है, ये भी मैं तभी यूज़ करती हूँ जब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं आउटिंग के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है ना बहुत क्यूट जूट का पैटर्न है। और ये बैग जो है मैंने परचेज किया था चंडीगढ़ से, तो ये चंडीगढ़ की निशानी है मेरे पास। सो ये देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ही क्यूट हैंड बैग है ये। अब बारी आती है मेरे क्लच की। सो सबसे पहला क्लच है मेरा ये वाला जो कि है मैरून एंड ब्लैक कलर में। सो जैसे मुझे कहीं छोटा मोटा घर में कुछ रिलीजियस फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें जैसे हम लोग हैंडबैग्स कैरी नहीं कर सकते हैं, स्लिंग अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस टाइम पे मैं कैरी करती हूँ अपना ये क्लच। तो इसमें देखिए अभी भी ये हैंकी रखा हुआ है वॉश किया हुआ, तो इसको मैं जैसे पूजा वगैरह कुछ होती है कहीं हमें जाना है सो इसको कैरी करती हूँ। बहुत ही सुंदर सा मेरा ये क्लच है। और ये देखिए इसमें ये भी है, आप इसको भी कैरी कर सकते हैं, ये वाला क्लच जो कि है पिंक कलर में। इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत ही प्यारा सा है ये। और इसमें इस तरीके से गोल्डन कलर का स्ट्रैप है, एक और स्लिंग है और ये कैरी करती हूँ मैं साड़ी के साथ में। और मेरे जो स्लिंग ये जो मेरे सॉरी क्लच हैं, क्लच को मैं साड़ी के साथ में भी कैरी कर लेती हूँ क्योंकि इसके साथ साड़ी के साथ क्लच बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो ये देखिए ये है गोल्डन कलर का, यहाँ पे गोल्डन कलर के नग लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है इसका और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और गोल्डन कलर का इसका स्ट्रैप है। मेरा एक और क्लच ये भी रेड कलर में है, बहुत प्यारा है, इसको भी मैं साड़ीज़ के साथ में ही कैरी करती हूँ। वैसे सूट्स के साथ में भी कर लेती हूँ मगर क्लच की ज़रूरत ज़्यादा साड़ी के साथ में पड़ती है क्योंकि साड़ी के साथ में ना हैंडबैग्स लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, मुझे कम्फर्टेबल नहीं रहता है। सो मैं हमेशा जो है क्लच ही कैरी करती हूँ साड़ीज़ के साथ में। सो रेड एंड ब्लैक कलर में और अच्छा खासा इसमें स्पेस है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। मेरा लास्ट बैग जो कि है ये क्यूट सा मेरा पोटली बैग। सो अभी मैंने इसके अंदर ये जो पॉलीज होती है जो वहीं से फिलिंग आती है वो मैंने इसमें फिल की हुई है क्योंकि ऐसे ही बिना फिलिंग के अगर आप अपने हैंड बैग्स वगैरह रखते हो तो वो शेपलेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसी के अंदर रखा हुआ था। सो बहुत ही प्यारा मल्टी कलर का मेरा ये पोटली बैग है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एक मिनट, इसमें ऐसी ये डोरीज हैं और इनको इस पोटली बैग को मैं कैरी करती हूँ अपनी बनारसी साड़ीज़ के साथ में, जरी साड़ीज़ के साथ में, क्योंकि उसके साथ इसका लुक जो है ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा एथनिक लुक देता है ये पोटली बैग। सो आप देख सकते हैं उसमें लटकन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो ये था मेरा बैग्स का कलेक्शन और यहाँ है एमी। मम्मा से हाय। हाय, जो मुझे टाइम मिला था उस टाइम में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा बैग्स का कलेक्शन, आई होप कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स मुझे बताना जरूर आप लोग को मेरे बैग्स कलेक्शन में से मेरा कौन सा बैग अच्छा लगा है। सो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, मेरा बैग्स कलेक्शन आप लोग को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से मैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।